बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं अपने किचन से आपके लिए चिकन टिक्का मसाले की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। कुछ अर्से पहले मैंने आपको चिकन टिक्के की रेसिपी दी थी, ये रेसिपी उस रेसिपी की वेरिएशन है। अगर आपने मेरी वो रेसिपी नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक आई बटन में शेयर कर दूँगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर रेसिपी आप तक फौरन पहुंच सके। चिकन टिक्का मसाला बनाने के लिए हमें जो अज्जा दरकार है वो ये हैं। एक अदद दरमियाने साइज की प्याज ले लें और उसे स्लाइस कर लें। एक अदद दरमियाने साइज का आलू ले लें और उसको जूलियन कट करके हाफ बॉईल कर लें। एक अदद शिमला मिर्च ले लें और उसे भी जूलियन कट कर लें। 4 से 5 अदद मोटी वाली हरी मिर्ची ले लें और उन्हें बीच से हाफ कर लें। 1/2 टीस्पून नमक ले लें। 2 से 3 टेबल स्पून आपने मक्खन लेना है। तो आइए चिकन टिक्का मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लें, ये वही पैन है जिसमें मैंने चिकन टिक्का बनाए हैं। उसमें 2 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल डाला है। स्लाइस की हुई अनियन डाल दें, हाफ बॉयल आलू डाल दें। अब इसे 1-2 मिनट ऑयल में थोड़ा सा फ्राई कर लें। 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद हमने इसके अंदर मक्खन डाल देना है। 2 से 3 टेबल स्पून आप मक्खन के शामिल कर दें। मक्खन से बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार टेस्ट आता है इसका। मक्खन हमारा मेल्ट हो जाएगा तो हमने इसके अंदर शिमला मिर्च और हरी मिर्च जो हमने जूलियन कट की थी वो शामिल कर देनी है। 1/2 टीस्पून हमने सब्जी के हिसाब से नमक डाल देना है और टिक्का के पीसे उसकी ग्रेवी के साथ हमने इसमें सब्जी में शामिल कर देने हैं। तकरीबन 1/2 कप के करीब ग्रेवी होनी चाहिए। चिकन टिक्के के पीसेस शामिल करने के बाद हमने इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देना है ताकि मसाले की जो जायका है, खुशबू है, वो सब्जी में शामिल हो जाए और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है चिकन और आलूओं में वो भी गल जाए। देखिए हमारी चिकन गल गई अच्छी तरह से, आलू भी अच्छी तरह से गल गए हैं और ये जो थोड़ी बहुत ग्रेवी नजर आ रही है इसको अच्छी तरह से भून लें और फिर चिकन टिक्का मसाला को डिश आउट कर लें। लीजिए जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग टेस्ट का चिकन टिक्का मसाला तैयार है। अब आप इसे पूरी पराठों के साथ या घर की चपातियों के साथ इंजॉय करें, अपनी पसंद की सॉस के साथ सर्व करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।